भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। पीरो दंगा के उच्च स्तरीय जांच को लेकर आईजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने आरा पहुंचे। आरा पहुंचने के उपरांत आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आरा परिसदन में किया। उन्होंने पीरो दंगा का न्याय की जांच के साथ ही उच्च स्तरीय जांच के भी बातें दिशा निर्देश पुलिस अधिकारी को दिया। आईजी ने कहा कि इस प्रकार की दंगे न हो, इस पर हम सभी को सचेत रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में इम्पोर्टेंट प्लेसेस का डायरेक्टरी बना हुआ कमंडल, आप लोग आप ही लोगों ने बनाया, अब मैप भी बना हुआ आप ही लोगों ने बना दिया। स्पेशल ब्रांच में हर जिले का इतना मोटा मोटा बुकिंग रखा हुआ चालू, आप ही लोगों ने बनाया, उसको जरा उठा के देख लीजिए। पीस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द वॉर, समझ बिहार सरकार के द्वारा बालू की नई नीति के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने आगामी 21 दिसंबर को भोजपुर बंद का आह्वान किया है। भोजपुर बंद की तैयारी को लेकर राजद के कार्यकर्ताओं ने बैठक किया और कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किए। अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि आप लगे, आज से लगिएगा, तब आप 21 तारीख को सफल बना पाएंगे। आप वहीं जाम करें, ऐसे अध्यक्ष जी हैं, अपने वक्तव्य पर याद रखेंगे, आप वहीं जाम कीजिए जहाँ, और आरा शहर के लिए हम हैं, अनवर आलम साहब हैं, इकराम साहब हैं, कपिल देव बाबू हैं, मुन्ना जी हैं, रुरू बाबू हैं, उमा शंकर बाबू हैं, इस संदेश में भी हैं और आरा में भी हैं। बीरबल बाबू सीधे मोखरे पर हैं। ये बंदी होनी चाहिए, अगर बंदी नहीं हुआ तो समझिए कि आप फेल हैं, जो सत्ता में है वो पास है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ नए पदाधिकारियों का जो चयन हुआ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और अगले साल के अग्रिम बधाई देता हूँ। सियाराम बाबू आप लोग डरिए ही पर, आप है सियाराम जादव है, हरिंदर भाई है, हरिंदर भाई है, और जी यही है महेंद्र बाबू, नहीं रहना नहीं है, परसों जाम कर दे रहा है, एकदम जाम कर देना, कुछ नहीं होगा, होगा तो देखा जाए। जब इतने उम्र में हम तैयार हैं तो आप काहे भाग रहे हैं, इससे भागिए नहीं, जाम कीजिए, अगर जाम नहीं कीजिएगा तो आपकी नगर की और ब्लॉक के हमको तो लगता है कि बबन रहे आए हैं क्या। आरा शहर में जो दो वहाँ के लोग कुछ मिल करके और वो पीरो आ जाए,
या गढ़हनी में आ जाए तो गढ़हनी एक शहर का रूप है, रूप है सहार और अभियान, ये दो एक जगह भी जुट जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप सोचते रहिए। इसके बाद में कोइलवर, कोइलवर है उसमें बढ़ारा का भाग, बढ़ारा बहुत शहर नहीं है, उगवाई प्रखंड है, इसलिए वहाँ के लोग कुछ कोइलवर में आकर के करें। दूसरी बात है कि बढ़ारा का जो पार्ट है सरैया, सरैया सिन्हा, उस सबका सरैया में कोई बहुत बाजार वजार है, उसमें लग करके वो काम करें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में यही ब्लॉक का नमूना है और इसी के आधार पर आपको ब्लॉकों को चुन करके और इकट्ठा करके और उसमें काम करना है। साथियों, जो हमको उनको 5 बजे तक स्टेशन पर आ जाए कर, जिनको आना है वो आ जाए। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जो आए अपने काम को छोड़ने को लेते हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, जिनको आना है उन तारीख को संध्या समय हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम है और 21 तारीख को पूरे बिहार को बंद करने का प्रोग्राम है। और क्या क्या विचार क्या बन रहे हैं? विचार तो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका विचार कुछ अलग बनता है थोड़ा। क्या क्या होगा उस दिन आगामी आने वाले दिनों में बालू बंदी को लेकर? आने वाले दिनों में तो हम लोगों का जो काम है जब जरूरत होती है तो बंद करते रहते हैं। हम पुराना सोशलिस्ट तो हम लोग तो बंद करने के आदि हैं या करते रहे। अब रह गई बात कि अभी जो पार्टी हमारी निर्णय करेगी कि इस समय पर बंद करना है, ये काम करना है, तो ऐसी चीज अभी हमारा हमारे यहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी आई, उसमें दिया हुआ है कि बालू के संबंध में जो अभी दिक्कत हो रही है मजदूरों को, कारीगरों को, जनता को, उसके संबंध में जो अखबारों में निकला है उसका कटिंग हमारे यहाँ भेजिए। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा बिहार सरकार ने 7 निश्चय की घोषणा किया है, उसमें गली नली बनाने का, नल जल का, पखाना का, ये सब हो रहा है कि नहीं? आप तो देखते होंगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, खाली ये पखेड़ा है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और हम का आह्वान है, बालू की एक समस्या है और बालू की समस्या जो है सिर्फ जो है लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बालू जो है जो बालू के ठेकेदार हैं, बालू माफिया का नाम एक चर्चा में किया जाता, उनसे ही मामला नहीं है। आप बालू के माफिया पर सख्ती करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन जो बालू का उठाव है, जो नियम संगत जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो इससे जुड़े हुए लोग लाखों लाख लोग बेरोजगार हैं। चाहे आप मजदूरा के सवाल को ले लें, मिस्त्री के सवाल को ले लें, ट्रक ऑनर के मामले ट्रक ड्राइवर को देख लें, ट्रैक्टर ड्राइवर को देख लें, यहाँ तक कि व्यवसायिक वर्ग भी जो सीमेंट बेचने वाले हैं, छड़ बेचने वाले हैं, और जब मार्केट में जब तमाम विकास के काम जो है अवरुद्ध हो गए, यहाँ तक के जनप्रतिनिधि, हम लोग जब सदन में इस मामले को उठाने का काम किया था माननीय तेजस्वी यादव ने, तो पूरा सदन का विपक्ष भी, भाजपा के साथी भी उस जो है समर्थन के रूप में थे कि ये काम जो है बहुत बड़ा काम है। और इसलिए ऐसे मामले में आपको प्रस्ताव जो संगठन के अंदर बहुत चिड़ी थी वो भाजपा के ही सच्चिदानंद जी जो है लाने का काम किए थे। वहाँ तमाम लोग इस बात को ये इस एक्सेप्ट किए थे कि पूरा विकास का ये जो पॉलिसी लाई गई ये सिर्फ एक जातीय विशेष को टारगेट करके किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और वो मानते हैं, पूरा कैबिनेट पूरा जो है
जनप्रतिनिधि और पूरी आवाम मान रही है कि लाखों लाख लोग बेरोजगार हैं। आज कितने घरों में खाने का जो 300-400 रुपए कमा लेते थे, आज उनके घर में जो मजदूरी नहीं करके जा रहा तो खाना बंद है। कितने लोग जो है मैंने कहीं ना कहीं जो पैसा चलाने वाले लोग हैं उनके कर्जदार बन चुके हैं। इसलिए ऐसे जन सवालों को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार सामाजिक न्याय का परिवार है, सोशल जस्टिस का परिवार है और ये हमेशा गरीबों की आवाज़ को लेकर चलने वाला पार्टी है। इसलिए ऐसे सवालों में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। आदरणीय नेता का आह्वान है कि 21 तारीख को हम लोग 20 को मशाल जुलूस निकालेंगे, 21 को पूरा तमाम हम अपने नौजवान साथियों से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन लोग से कहेंगे कि मुख्यालय पर मजबूती से हम लोग इसको जो है सफल बनाने के लिए तमाम लोग एकत्रित हो। और एक दिन पहले हम लोग जो मशाल जुलूस निकालेंगे तमाम व्यापारिक वर्ग से हम निहोरा करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल तमाम गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम लोग एक विरोधी दल होने के नाते मेरा दायित्व बनता है आईना दिखाना, और उस आईने दिखाने के लिए हम लोग रोड पर निकल रहे हैं। लेकिन हम तमाम अपने साथियों से, पूरे भोजपुर के साथियों से कहेंगे कि ये जो हम लोग मार्च करेंगे, बंदी कराएंगे, पूरी तरह जो है जनता को समर्थन में लेते हुए करेंगे। हम लोग दवाई के दुकान को अवरुद्ध नहीं करेंगे, हम लोग एम्बुलेंस को अवरुद्ध नहीं करेंगे, गुरु नानक जयंती में जो लोग जाने वाले हैं उनको अवरुद्ध नहीं करेंगे। हमारे नेता का आह्वान है कि तमाम चीजों से ऊपर उठकर हम लोग निहोरा करेंगे और जनता हम लोग के साथ रहेगी, ये उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि बंद को सफल बनाने में सहयोग करें। और 100% 100% सफल होगा। ये माननीय विधायक जी जितना विस्तार पूर्वक बताया है, वर्तमान सरकार की खामी पर हमारे मीडिया वाला भाई ध्यान दें। माननीय मुख्यमंत्री जी यही जगदीशपुर कंस्टिट्यूएंसी में दवा में आ रहे हैं, 7 निश्चय को क्या उनको राजमिस्त्री मिल रहा है, क्या उनको बालू मिल रहा है, कैसे बनेगा नल्ली, कैसे बनेंगे छापा कल के, कैसे बनेंगे पाइप के बगैर सीमेंट का। इसलिए ये राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान है, गरीब के प्रति, सोशल जस्टिस के प्रति ये आह्वान है, बंद होगा 100% बंद होगा। जो 21 तारीख का बंदी है, क्या उस दिन ट्रेन भी रोका जाएगा, क्या रोड रोड जाम किया जाएगा, ऐसा अभी हम लोग नहीं बना। भारत सरकार का मामला नहीं है, ये राज्य सरकार की मामला है। हम लोग ट्रेन पर नहीं, विधायक जी ने बताया कि स्कूल का बस, एम्बुलेंस, दवा का दुकान, चाय की दुकान, गुरु नानक जयंती में जाने वाले हैं उनको हम लोग अवरुद्ध नहीं करेंगे, उनको सम्मान पूर्वक। जिसमें हमारे माननीय विधायक अनवर आलम साहब, माननीय विधायक जगदीशपुर के लोहिया जी, माननीय अध्यक्ष हरनारायण बाबू, यहाँ पर लालदास राय जी पूर्व MLC यहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों के बीच हम लोगों ने बैठक किया। 21 तारीख को हम लोग पूरे आरा शहर को, पूरे जिला को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का यह निर्णय है और हम लोग उस दिन पूरे आरा को और पूरे जिला को चक्का जाम करेंगे। इसलिए चक्का जाम करेंगे कि तमाम किसान मजदूर, बड़ई भाई, लोहार भाई, मजदूर भाई, राजमिस्त्री भाई, तमाम पेंटर, तमाम मतलब लोहा लकड़ी में काम करने वाले, तमाम हार्डवेयर में काम करने वाले, तमाम सीमेंट वाले लोग, सब व्यापारी लोग इससे त्रसित हैं। यह तुगलकवादी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के निर्णय से काफ़ी त्रसित हैं और तमाम गरीब लोग का बच्चा आज भूखे भुखमरी के कगार पर। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार पर धोखाधड़ी और तानाशाही रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार सरकार आम जनता से धोखाधड़ी कर रही है और तानाशाही रवैया अपना रही है। साथ ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया। तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन गुलामी की जंजीर को हमको पकड़ना होगा और सीधे तौर पर गुलामी को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य, हमारा मौलिक अधिकार,
हमारे तमाम अधिकारों पर। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आपके सपनों को साकार करने के लिए सांभी शेल्टर्स लिमिटेड ने लेकर आया है गोविंद अपार्टमेंट। भूकंप रोधी 24 घंटे पानी बिजली की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग लिफ्ट के अलावा उच्च सुरक्षा की सुविधा। पहले आए पहले पाए 2 BHK और 3 BHK फ्लैट की बुकिंग के लिए संपर्क करें गोविंद अपार्टमेंट, DM कोठी के पूरब, पीर बाबा रोड, आरा। नंबर है 8986188321। एक नंबर और 8409893736। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, 3rd मंजिल, करमन टोला, आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, 3rd मंजिल, करमन टोला, आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली, आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2 व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4 व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया, आरा, भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए शांत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय, महादेवा रोड, आरा। ब्रेक के बाद भोज प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक तरफ IG जितेंद्र सिंह ने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नगर थाना अंतर्गत चरखंबा गली में अपराधियों ने मुखिया के घर, आसारानी के घर गोली चलाई। गोली अपराधियों ने गोली में जहां एक के मवेशी कुत्ता की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी, अब रंगदारी नहीं मिलने के लेकर अपराधियों ने गोली चलाई। Thank you.
कर्मचारी संघ के द्वारा वीरकोसी विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में धरना दिए हैं। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक यह आंदोलन और धरना जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी निकाय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकाय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भेदभाव करने वाले प्रशासन पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भेदभाव करने वाले प्रशासनिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासी निकाय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासी निकाय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कि यहाँ जो शासी निकाय ने अनुदान की राशि बांटने में जो गड़बड़ी हेरा फेरी अनियमितता बरती है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। भीसी साहब को शासी निकाय ने अधिकृत किया है कि अनुदान की राशि बंटवाइए और भीसी साहब के देख रेख में हुआ या उनके अनदेखी में हुआ ये बंटवारा जो है अवैध पूर्ण तरीके से बांटा गया, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने बहुत काफ़ी गंभीरता से जांच पड़ताल करने के लिए ये अनशन धरना प्रदर्शन आत्मदाह तक की घोषणा भीसी साहब के सामने कर चुके हैं और प्रक्रिया धीरे धीरे उसी क्रम में जारी है। आज हम लोग धरना पर हैं। आज भीसी साहब बुलाए थे, भीसी साहब आए नहीं। भीसी साहब का आश्वासन मिला है लेकिन अभी कार्रवाई जो है लिखित रूप में नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं। अनुनय विनय पदाधिकारी लोग करने के लिए आए, हम लोगों ने कहा कि हम आपकी बात अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि भीसी हम लोगों के सामने आ करके हमारी बातों को सुन करके और उसको लिखित प्रक्रिया दे करके और हमारे सारे कर्मचारी जो यहाँ धरना अनशन पर बैठे हुए हैं या जिनको अनुदान की राशि नहीं मिली है, जिसके साथ वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसको मरने के उपरांत भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया गया है, वैसे वैसे लोगों के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे जब तक कि भीसी आ करके यहाँ शासी निकाय को भंग करके चयन समिति की प्रक्रिया को रद्द करके अनुदान की राशि को अभी अविलंब वापस दिला करके वापस करा करके, अगर वापस नहीं होता है प्राथमिकी दर्ज करके वारंट इशू करके पैसा वापस कराएं और उसके बाद जांच प्रक्रिया चालू कराएं और जांच में दो जो दोषी पाया जाए उसको दंडित किया जाए। नाम बताइए, नाम नाम बताइए अपना। प्रोफेसर बैजनाथ प्रसाद भगत, गणित विभाग, राम नारायण शाह सर्वोदय महाविद्यालय, गंज बड़सरा, रोहतास। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आपके सपनों को साकार करने के लिए सांभी शेल्टर्स लिमिटेड ने लेकर आया है
गोविंद अपार्टमेंट। भूकंप रोधी 24 घंटे पानी बिजली की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग लिफ्ट के अलावा उच्च सुरक्षा की सुविधा। पहले आए पहले पाए 2 BHK और 3 BHK फ्लैट की बुकिंग के लिए संपर्क करें गोविंद अपार्टमेंट, DM कोठी के पूरब, पीर बाबा रोड, आरा। नंबर है 8986188321। एक नंबर और 8409893736। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, 3rd मंजिल, करमन टोला, आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, 3rd मंजिल, करमन टोला, आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10, विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपाली, आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त। आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2 व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4 व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया, आरा, भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय, महादेवा रोड, आरा। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की वार्षिक समारोह की तैयारी काफी जोरों पर है। तैयारी अंतिम चरण को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की है। आगे देखते हैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की वार्षिक समारोह की तैयारी की झलकियां।
श्रम नायक है भारत के और वेधा के अवतारी है। हम सौ पर भारी एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और वेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और वेधा के अवतारी। आवासीय विद्यालय में प्रत्येक वर्ष एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। यह हमारा 12th एनुअल फंक्शन होगा और हर एनुअल फंक्शन में एक स्टेप आगे बढ़कर यानी वन स्टेप अहेड हम कुछ नया जरूर देते हैं। और इस बार हमारे यहाँ बॉम्बे से प्रख्यात मेंटर आ रहे हैं मिस्टर आनंद, जो कि गार्जियंस और बच्चों को पढ़ाई और मेमोरी पे से रिलेटेड कुछ टिप्स देंगे कि हम अपना मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, हमारे यहाँ पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए और उसके साथ हम अपने बच्चों के जो भी छात्र छात्रा हमारे विद्यालय में हैं उसमें से लगभग 700-800 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स में। उन बच्चों की एक्टिविटीज़, उन बच्चों के डिबेट्स, उन बच्चों के क्वेश्चन आंसर सेशंस, ये सारे क्विज, ये सारे चीज़ें आपको एनुअल फंक्शन में देखने को मिलेंगी। और मैं अपने पूरे जिला वासियों से अपेक्षा करता हूं कि वो बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु हमारे विद्यालय में रविवार 24 दिसंबर को अवश्य आए। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि कौन आले होंगे? मिस्टर अनवर आलम साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं, यूएस पांडे जी हैं और पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड साहब हैं, ये सभी मुख्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। और पूरे जिला वासियों को हमारा खुला निमंत्रण है कि वो आए और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। 24 तारीख का एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा, 25 तारीख क्रिसमस डे भी है मनाया जाएगा, क्या स्कूल में क्रिसमस डे भी मनाया जाएगा क्या? क्रिसमस डे करके हम लोग उसमें कुछ नहीं मनाते हैं, परंतु बच्चों को चूंकि सांता क्लॉज का वेट होता है तो हमारे यहाँ एक सांता क्लॉज हर साल एनुअल फंक्शन के वक्त जरूर आते हैं और इस वर्ष भी उम्मीद है कि एक सांता क्लॉज आएंगे और बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 24 दिसंबर को जो ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में एनुअल फंक्शन होने वाला है उसकी सारी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। अभी मैं बच्चों की रिहर्सल्स देख करके ही आ रही हूँ और मैंने ये देखा है कि बच्चे पूरे जोर से अपने प्रोग्राम्स का रिहर्सल करने में लगे हुए हैं। और मैं अपने सारे बच्चों को शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपका ये एनुअल फंक्शन बहुत ही सफल हो और आप लोगों ने जितनी मेहनत की है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपकी जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक्स हैं, उन सब के अवार्ड्स आपको दिए जाएं और आप लोगों के अचीवमेंट्स उस दिन हम लोग शो करें और आप लोगों का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हो, इसकी मैं शुभकामनाएं अपने सारे बच्चों को देना चाहूँगी।